दिन की शुरुआत अंडे उबल रहे हैं काढ़ा चढ़ा हुआ है ये चाय है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आज कोई ऑफिस स्कूल नहीं गया है क्योंकि दोनों बाप बेटे आज बीमार पड़ गए हैं गला बैठा है काढ़ा बनाया है काढ़ी की रेसिपी नहीं बता रही हूँ ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आज ये फालतू में नहीं जा पाया आज स्कूल कोई ले जाने वाला नहीं था आज लास्ट डे भी था स्कूल का धूप तो हो गई है एक घंटे हो चुके हैं तो टाइटल देख के आप लोगों को लग रहा होगा गुड न्यूज क्या है तो यस गुड न्यूज तो है और मैं भी वीडियो दिखाती हूँ कुछ क्लिप्स हैं। वो देखिए आप पता चलेगा गुड न्यूज क्या है We made. है थोड़ा हल्का सा वाइट वो वो फीमेल है दोनों ये फीमेल है दोनों अच्छी दोनों फीमेल है ये मेला अभी खवा खाया है ना जी का अगर रात के इतना खाया बड पटर 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 सब चीज खा ले ये हम देते ना कम घेरा है दूध ना पीते है? मा तो दूध नहीं पीते मां का दूध तो थोड़ा सा नाक चल रहा ऑलमोस्ट कलर सेम ही है से यहाँ से हम निकले तो एक मोड़ बस गलत हो गया और हम फंस गए यहाँ मार्केट के बीच में और कम से कम पौन घंटे हम यहीं फंसे रहे बिल्कुल धीमे धीमे गाड़ी चल रही थी बाबर कौन है ये कैसे देख रहे हैं एक दूसरे को <laughs> बाबर बाबर कौन है कुट्टू ये बाबर वो भी डर के पैर पीछे कर रहे हुए सुन के देख रहा है तो खोल दो खोलो अब अरे इसको पकड़ो पड़ेगा नहीं नहीं देखते हैं ना क्या होता है हम्म प्रोजेक्ट माय गॉड oh

हम्म तुम लोग ले आए गया वो ये गेट ये गेट है ये है केविन केविन ओ चुप है केविन मत करो यार ये गुन्नू गुन्नू पोजीशन लिया उसको पकड़ भाई नहीं कुछ नहीं करेगा मिल लेने दो ना एक बार वो नीचे जाना चाहता है सोफे के देखो देख तो मेरी का है हाँ <laughs> रग दो, रग दो वही। मिल रहे है, नहीं वो, है। वो तो वो तो ग्रुप से आया है ना केविन वो देख रहा है काफी दिनों के बाद उसको बिल्लियां दिखाई दी हैं कैसे देख रहा है देख कौन है ये केविन लेकिन मैं सही बताऊं उसके अच्छे निकलेंगे केविन केविन कुतले यहाँ मुझे ऐसा चीज़ था आप हाँ गुड न्यूज़ थी तो थोड़ी सी पार्टी करनी तो बनती थी तो मैंने बनाया मटन ज़ाफ़रानी पुलाव और कुर्दा कलेजी तो उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है मटन ज़ाफरानी पुलाव और यखनी पुलाव में आ, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे बस करनी है तो स्लाइट फ़र्क है दोनों में तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया आधा किलो से ये थोड़ा सा ज़्यादा मटन है पानी डाला है इसमें स्टॉक तैयार करेंगे लहसुन खड़ा और अदरक भी आ, खड़ी हुई और ये आप पॉज करके मसाले देखते जाएँ कुछ मसाले डाले मैंने बॉयल करने में ये काली मिर्चें और लौंग और कुछ मसाले हमेशा मैं कहती हूँ अगर आपका मन नहीं आप स्किप कर सकते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता आ, खड़ी धनिया और सौंफ जो है ये एक एक चम्मच हैं और नमक मिलाना है मैं वो शायद कैमरा नहीं ऑन था नमक मिलाकर और बस इसे 90-95 परसेंट तक बॉईल कर लेना है जैसे अखनी पुलाव में हम करते हैं और उसे साइड पे रख दिया है यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ गुर्दा कलेजी तो दो काम एक साथ आप किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और जब तक वो पुलाव बनेगा ये भी बनकर तैयार हो जाएगी तो ऑयल लिया ढाई सौ ग्राम गुर्दा कलेजी लेजिए दोनों चीज़ें मिलाकर तो मैंने एक कप आधा कप से थोड़ा सा ऊपर ऑयल लिया था और प्याज़ ली है मैंने साढ़े तीन सौ से चार सौ ग्राम के बीच में और सिर्फ तेज़ पत्ता डाला है यहाँ पे और इसे फ्राई करना है इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना था बीच में बैल बजी हमारे पड़ोसी आए थे तो मैं बाहर चली गई तो ये थोड़ा सा ये ब्राउन ब्राउन दिखने लग गया है वरना इतना नहीं फ्राई करना है आ, बच गई मैं तो वापस आके सोच रही थी बस बच गई मेरी प्याज वरना पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती फिर से काटनी पड़ती प्याज और बस उसके बाद डाल दिया है गुर्दा और कलेजी और एक चम्मच भर कर डालना है आ, यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट ताकि इसकी जितनी भी कच्ची स्मेल हो गंदी स्मेल हो वो सारी चली जाए गुर्दे कलेजी में स्मेल होती ही है कितना भी आप अच्छी तरीके से वॉश कर लें तो बस इसको मिक्स करना है और फ्राई करना है कम से कम पाँच मिनट तक फुल आँच पे ताकि अदरक लहसुन का भी जो कच्चापन है वो भी चला जाए और कलेजी और गुर्दा प्याज ये सब आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए उसके बाद मैंने डाले हैं दो बड़े बड़े साइज़ के टमाटर ये रफली ही ऐसे काट के डाल देने हैं आ, पहले भी मैंने बताया हुआ है बड़े बड़े काटने से ये आसानी से गल जाते हैं जितना आप बारीक काटेंगे गलने में वो उतना ही टाइम लेता है ये मिथ होता है कि बड़े कटे हैं तो वो गलेंगे नहीं आप एक बार ट्राई करिए और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपके टमाटर गले या नहीं गले तो बस इसे ढक कर साइड में छोड़ देंगे पाँच मिनट के लिए तो पाँच मिनट का भी टाइम है तो मसाला तैयार कर लेते हैं पुलाव का तो प्याज लिया मैंने एक मीडियम साइज़ की इसमें देख लीजिए ये बहुत छोटा साइज़ का मैंने जायफल लिया है और ये जायफ जावित्री का अभी आप साइज़ देख लीजिए जायफल जावित्री मैंने पहले भी कहा था आ, बहुत आपके मसाले को वो सड़ाने में कामयाब होते हैं अगर थोड़े से भी ज़्यादा हो जाए तो जायफल जावित्री हमेशा ही बहुत ध्यान से डालिए ये बिल्कुल मत सोचिए जायफल जावित्री में खुशबू होती है तो हम ज़्यादा डाल देंगे तो खुशबूदार पुलाव तैयार होगा तो ऐसा नहीं है बहुत सड़ा हुआ पुलाव तैयार होगा आपका तो बाकी चीज़ें ये आप मसाले देख ही रहे हैं आ, कितने कितने डाले हैं तो खचखश मैंने डाला है आ, बिल्कुल आधा चम्मच से भी कम और धनिया भी आधा चम्मच से भी कम सिर्फ हमें हल्की सी स्मेल चाहिए और बहुत ज़्यादा धनिया और ये चीज़ें नहीं डालनी है बस हल्के हल्के से जैसे मैंने बताया है उतना ही मसाला डालना है और पाँच मिनट बाद इसे खोल कर देखेंगे तो देखिए टमाटर ये ऑलमोस्ट गल चुके हैं बाकी का जो काम है वो कलेजी गलने के टाइम पे हो जाएगा तो बस बेसिक से मसाले डाले हैं इसमें मैंने एक चम्मच भर कर धनिया पाउडर डाला है और हल्दी डाली है थोड़ी सी और नमक और लाल मिर्चों का पाउडर वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें जितना भी आप तीखा खाते हो और बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ढक कर साइड में धीमी आँच पर छोड़ देंगे अब खोल देखते हैं कुकर इसमें आ गई थी पांच से छ सीटियां मैंने ली हैं आप अपने मटन के अकॉर्डिंग लीजिए मेरा फ्रिज का था तो मैंने पांच से छह सीटियां ली हैं उसे छान कर अलग अलग कर लेना है और फिर चढ़ाना है पुलाव तो ऑयल लिया है आप चावलों के हिसाब से ऑयल डालें जितने भी आपके चावलों में ऑयल लगता हो और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया था और बारीक बारीक काटा है ये हमें बिल्कुल गोल्डन करना है ऊपर से डालने के लिए जैसा बिरयानी वगैरह में करते हैं गार्निश करने के टाइम तो उस तरीके का प्याज ये फ्राई करके बाहर निकालना है जितना आसानी से हाथ में आ रहा है उतना आप बाहर निकाल लें ये जो मस्ती कर रहे हैं ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं उन्हें आप वैसे छोड़ दें और बस यहाँ पे थोड़ा सा प्याज तड़के की तरह बिल्कुल जरा सा आधी प्याज से भी कम डालकर और बस एक बार चलाना है आँच जो है वो फुल पर ही है और फिर डालने हैं ये कुछ खड़े गरम मसाले ये भी देख लें स्टार फूल डाला है और छतपुरी डाला है और मैंने डाला है तेज़ पत्ता शाही जीरा डाला है मैंने एक चम्मच भर कर और ये सारी चीज़ों को बस एक बार मिक्स करना है क्योंकि आँच फुल पर ही है और फिर डाल देना है वो पिसा हुआ मसाला जो हमने डाला था पिसा था और मिक्सी से पानी घुमा वो भी डाल लेना है और फिर इसे अच्छी तरीके से भून लेना है बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है सिर्फ़ भून कर इसे दानेदार मसाले की तरह ऐसे तैयार करना है और बस फिर डाल देंगे वो जो हमने छान कर मटन रखा था स्टॉक अलग और मटन अलग तो वो मटन यहाँ पे डाल देना है और साथ में डालना है दही तो ये मैंने आधा कप दही डाला है यहाँ पे और फिर डालना है दो चम्मच के करीब भर कर आ, अदरक और लहसुन का पेस्ट चावल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तीन गिलास तो ग्लास जो मेरे हैं उसको नाप कर तो मैंने दो चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है चावल अगर आप कम यूज़ कर रहे हैं मसाले कम यूज़ कर रहे हैं तो चीज़ें अपने हिसाब से घटाते चले जाएं फिर बस मिक्स करके स्टॉक ऐड कर देना और साथ में इसको भी लावारिसों की तरह ना पड़ा रहने दें एक बार ढक्कन खोलें और इसे भी चलाएं वरना ये पुलाव तो तैयार हो जाएगा ये आपकी जल जाएगी तो याद रखें कि साइड में एक और चीज़ चढ़ी हुई है बस उसे खोलें एक बार चलाएं ऊपर नीचे करें और फिर ढक फिर उसे छोड़ दें तो बस पानी में डालना है यहाँ पे चावल आँच जो है अभी भी फुल पर ही है जब तक इसमें अच्छी तरीके से बॉईल नहीं आ जाता आँच फुल पर ही रखनी है और सारी चीज़ों को मिक्स करना है यहाँ पे नमक ज़रूर एक बार चेक कर लें यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कम था तो मैंने थोड़ा और डाला है अगर आपको लगता है परफेक्ट है पानी नमकीन होना चाहिए तो फिर बिल्कुल परफेक्ट होता है बस इसे ढक देंगे ताकि बॉयल आ जाए अच्छी तरह ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है तो बस एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरीके से चावल आपके पककर तैयार नहीं हो जाते हैं तो बस इसे ढक कर साइड में रख दें और फिर चेक कर लें अपना एक बार हाथ मार लें ज़रा कलेजी पर भी और ये देखें मुश्किल से दस मिनट ही हुए थे और काफ़ी पानी इसका जो है वो जा चुका है और इस तरीके से आपको सुराख से नज़र आने लग जाएंगे तो ये वक्त है कटी हुई हरी मिर्चें डालने का ताकि खुशबू जो है हरी मिर्चों की सिर्फ वो आए उसका तीखापन ना आए तो बस ये कुछ ही चीज़ें होती हैं ऐसा खाने में ना हमेशा मैं बोलती हूँ कि अपने खाने के साथ आप एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें कुछ ही कुछ ही चीज़ें आप ऊपर और नीचे करेंगे ना कुछ मसाले कम ज़्यादा करेंगे एक डिफ़रेंट ही रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है तो बस फिर वो मिर्चें डाल के बंद किया फिर एक बार ये कम से कम मैंने तीन से चार बार खोला था बीच में आ... और बस चेक करें देखें कलेजी बिल्कुल गल चुकी है मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सिंपल पानी से धोया है और इसमें डाला है कोई इसमें ना विनेगर डाला है ना कोई ऐसा जतन नहीं करा जिससे कलेजी को गलने के लिए और हमें बोलते हैं कि गल जाती है जल्दी ऐसा मैंने कुछ भी नहीं करा तो देखिए आराम से गल चुकी है ये जब तक पुलाव और सारी चीज़ें तैयार होंगी हरी मिर्चें डाली हैं मैंने और बस ढककर उसे छोड़ दिया है गैस बंद कर दी है और बस देखें ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं गल चुके हैं सिर्फ दम बाकी है तो इसमें डालना है ये केसर पानी में घुला हुआ ये मैंने लिया था कम से कम दो से तीन चुटकी केसर है ये पानी में भिगा कर और ये डालना है इसके ऊपर और डालनी है कटी हुई धनिया इस तरीके से बिछा दें चलाना वलाना कुछ नहीं है सिर्फ बिछा दें और जो प्याज़ हमने फ्राई करी थी वो भी बिछा दें देखें कोई ऐसी एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं करा आ, लेकिन आप जब इसे बनाएंगे और खाएंगे तो बिल्कुल आपको फर्क लगेगा यखनी पुलाव से इसमें बहुत काफी फर्क। hours later. मैं और जा रहे हैं डॉक्टर के पास लेकर को <laughs> नया बेचारा सुस्त हो गया सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया है, उल्ती उल्ती खाया है। आ, वो पीछे बैठा देख <laughs> वो बैठा है आराम से खा पी के तीन चार टाइम हो गया है उसका ये और इसने बेचारे ने कल से कुछ भी नहीं खाया वाला है। इसने बेचारे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है अब लेके जाते हैं इसको दिखाते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं इसको आज मैंने कंबल भी पूरे में लगा दिया मैं दिखाती हूँ ये इस तरीके से पूरे में मैंने इसकी जयपुरी दुलाई मेरी पुरानी रखी हुई थी मैंने वो लगाई ताकि बेचारे को गर्माहट मिले क्या और सिकुड़ रहा है और ही ओली ओली चलो चले डॉक्टर के पास पीछे रखो नहीं आराम से बैठा रहेगा ना यहाँ पे तुम भी आराम से बैठ जाओगी आगे बैठो सबसे पहले इसका वज़न किया गया तो वेट करवाया इसने उसके बाद डॉक्टर ने इसे चेक करा तो काफी ज़्यादा वॉमिट करी थी इसने और तो फिर इसको इंजेक्शन लगाया गया तो बेचारा थोड़ा सा झटपट आए हाँ लेकिन जानी कितनी है बेचारे में छोटा सा है तो बस ये इंजेक्शन लगाने के बाद इसे वापस डाला गया और फिर हम घर आ गए थे बाबर उसको जीने नहीं दे रहा है उसको अंदर बंद किया है तो ये इस तरीके से बैठ जाता है उसके सामने ऊपर <laughs> सामने नहीं ऊपर वो बेचारा ऐसे बैठा है बाहर आ मैं तुझे देखूं, बाबर इंजेक्शन लग गया है इसको और साथ में इसको थोड़ा सा नहलाया तो नहीं है लेकिन हाँ ड्राई वॉश करा है अब ये काफी साफ सुथरा सा भी हो गया लेकिन बेचारे ने कल से कुछ भी नहीं खाया है और जिससे लिया था उससे बात करी है तो उसने बोला कि जिस ब्रांड का वो खाता वो ढूंढ रहे हैं देखते हैं कहाँ मिलता है हम्म काफी जगह पता किया है है ये जो फूड खाता है, वो तो मिला नहीं हमें तो मैंने इसको थोड़ा सा दूध डालकर दिया इसमें बहुत कम पिया है वाइट में वाइट वैसे दिखेगा नहीं तब जाके इसके अंदर थोड़ी सी जान आई है अब बैठा हुआ है अपने आप कूद कर बैठा है सोफे में और अब आगे देखते हैं इसका फूड ढूंढना पड़ेगा जो ये खाता है ड्राई खाता है ये बहुत गड़बड़ कर रखा था उन लोगों ने जिन्होंने दिया हमें ठीक से बताया नहीं कि एग्जैक्टली ये क्या खाता है और एक बंदा उनका कुछ कह रहा है एक बंदा कुछ कह रहा है एक कह रहा है जिन्होंने दिया हैंड ओवर करा था जिन्होंने कि वो सब कुछ खाता है हम जो खाते हैं वो भी डाल देते हैं दूध भी दे देते दे हैं दे, अंडा भी दे देते दे हैं दे, उबला हुआ हम सब कुछ देते हैं और दूसरा जो बंदा जिससे फ़ोन पे बात हुई सेम घर के हैं वो कह रहा है उसने एक कंपनी का नाम बताया कि वो ड्राई फ्रूट ही खाता है ये और दूध दिया भी तो वो दूध पी लिया है इसने तो समझ में नहीं आ रहा मिक्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक से कुछ बता नहीं रहे हैं हालांकि है। दूध इनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए कैट्स को इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है अब उन्होंने जैसी भी आदत डाल रखी थी इसको वही आदत है देखते हैं के किस तरीके से आगे इसको आज तो किसी तरह रात काटनी पड़ेगी अब कल फिर से ढूंढेंगे और ड्राई फूड से इसको कैसे जो बाबर खाता है उस फूड तक लेके आना पड़ेगा लेट्स क्या होता है थोड़ा बहुत ही पिया था इस तरीके से ड्रॉपर से डाल रही हूं मैं आ, गट ट्रिक ये है कि जैसे ये चिल्लाए है वह कर देना है हाँ ऐसे हो ऐसे हो प्यारा कैविन प्यारा प्यारा खोलो खोलो अब इस व्लॉग को मैं यहीं पैन करती हूँ हाँ नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर